हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आदिवासी हेयर ऑयल जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, लेकिन उसे घर में कैसे बना सकते हैं ऑथेंटिक रेसिपी के साथ, और वो ऑयल किस तरह से आपके बालों की काया पलट कर सकता है, यही आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। आदिवासी ऑयल अगर बात करें मार्केट्स में, अमेजोन पर या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ऑथेंटिक कौन सा है, कौन सा रियल है, कौन सा ओरिजिनल है, क्योंकि न जाने कितने ब्रांड्स आजकल आदिवासी ऑयल बेच रहे हैं। सो प्लीज़ चक्कर में मत पड़िए, घर में बनाइए, सस्ता बढ़िया टिकाऊ, उतनी क्वांटिटी में बनाइए जितनी ज़रूरत है, उतनी चीज़ें यूज़ करिए जो आपको पता है कि प्योर है। तो प्लीज़ इसे घर में बनाइए एंड अपने बालों की काया पलट कीजिए। ऑथेंटिक रेसिपी अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अमेजिंग फायदे मिलेंगे इस ऑयल के आपको। बालों का कालापन लंबे समय तक बरकरार रहेगा, बाल झड़ रहे हैं रुक जाएंगे, लंबाई लंबी होगी अच्छे से बड़ी जल्दी, क्योंकि ये आपके बालों का जो एनर्जन फेस है उसको बढ़ा देता है, साथ ही साथ ये आपके बालों में जा करके आपके स्कैल्प को पोषित करेगा अंदर से, जिससे हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, बालों का गिरना, बाल पैचेस ये सब खत्म हो जाएंगे एंड आपके बालों को मिलेगा आदिवासी ऑयल का पूरा न्यूट्रिशन। कैसे बनाना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए बताती हूँ। आपको लेना है फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने में और हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में जितना बढ़िया काम करता है, उतना कोई दूसरा ऑयल काम नहीं करता है। तो 2 टेबलस्पून अरंडी का ऑयल यानी कि कैस्टर ऑयल लेंगे। चिपचिपा हैवी थिक वाला ऑयल होता है ये, और इसको आपको किसी कैरियर ऑयल में डाइल्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल का तेल, तकरीबन 6 से 8 चम्मच। ये नारियल का तेल जब अरंडी के तेल में डाइल्यूट हो जाएगा तो बहुत अच्छे फायदे हमें देगा, क्योंकि अरंडी का तेल बहुत थिक होता है तो स्कैल्प के अंदर पेनेट्रेट नहीं होता। पेनेट्रेट कराने के लिए नारियल का तेल यूज़ करेंगे, दोनों अच्छे से पेनेट्रेट होंगे और क्या रिजल्ट्स आपके बालों को मिलेंगे। तो विटामिन ई ऑयल आप भूल जाओगे अरंडी का तेल यूज़ करोगे तो ये दोनों ऑयल्स लिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल में, वो है भृंगराज। कैन यू बिलीव इट, भृंगराज को बालों के लिए सोना कहा जाता है। तो इस सोने को यूज़ कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं भृंगराज का पौधा आपको मिल जाए तो कुछ लीव्स निकाल करके ले आइएगा एंड उसे अपने बालों के लिए यूज़ कीजिए। यकीन मानिएगा आपके बाल इतने ब्यूटीफुल घने और लंबे हो जाएंगे अगर आप भृंगराज यूज़ करते हो। तो इस सोने को घर पर ले आइए और अपने बालों को सोने से सुंदर बनाइए। लेकिन अगर भृंगराज फ्रेश फॉर्म में ना मिले तो ऑनलाइन आजकल इसकी लीव्स का पाउडर हमें मिल जाता है ड्राइड फॉर्म में। मैं यूज़ करती हूँ पाउडर फॉर्म में इसको, वो आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा इंग्रेडिएंट जो आप इस ऑयल में डालेंगे वो है रोजमेरी लीव्स। जहाँ भृंगराज को बालों के लिए सोना माना गया है, रोजमेरी लीव्स को बालों के लिए अमृत कहा गया है, क्योंकि ये डेड से डेड हुए हेयर पार्टिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को भी स्टिमुलेट करके हेल्दी बना देता है। तो बालों को अमर जीवन देती है रोजमेरी लीव्स। आजकल ड्राइड फॉर्म में हर जगह मिल जाती हैं, फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स डालेंगे। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है करी लीव्स। करी पत्ता बालों को काला बनाने में, बालों को स्कैल्प को पोषण देने में, स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो करी पत्ता लेंगे 1 मुट्ठी भर, वो भी मैं इसमें डालूंगी। करी पत्ता ना केवल आपके बालों को हेल्दी बनाता है बल्कि बालों में जान भर देता है। बालों को इतना सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। करी पत्ता खाओगे भी और लगाओगे भी, मेक श्योर कि आपकी डाइट में भी करी पत्ता हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। आपकी किचन में मिल जाएगा तो जल्दी से लेकर के आइए और 1 चम्मच मेथी दाना आप इस ऑयल में डाल दीजिए। एंड जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है छोटा सा टुकड़ा कपूर का। कपूर क्या है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से भरा होता है। आपके बालों में या स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही या हेयर गिर रहे हैं, डैंड्रफ है, या फिर आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो बंद पड़े हैं जिससे न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा, ये जो कपूर है ये इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करती है। इन चीज़ों को आपने ऑयल में पकाना है, सिम गैस रखना है। कब तक पकाना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। तो इस तरह से ये देखिए पकने के बाद ऑयल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसको हम छान लेंगे। छान करके ये मेरा ऑयल रेडी है बालों में अप्लाई करने के लिए।
तो एवरी टाइम आप हेयर वॉश करें उससे पहले वाली रात को ये ऑयल अपने बालों में लगाएं, अच्छे से चंपी करें। आपके स्कैल्प में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो दोनों बढ़ता है अगर आप स्कैल्प में चंपी करते हैं। वीक में एटलीस्ट दो बार चंपी जरूर करनी है क्योंकि आपको अमेजिंग अमेजिंग फायदे ये ऑयल देने वाला है। तो बिल्कुल इस तरह से यूज करें और कैसे रिजल्ट्स मिले जरूर मुझे बताइएगा। ये आदिवासी ऑयल मार्केट में मिलने वाले सभी तरह के आदिवासी ऑयल को फेल कर देगा क्योंकि शुद्धता की गारंटी, आपको पता है आप क्या चीज यूज कर रहे हो। आप कोई SLS और SLES वाले ऑयल नहीं यूज कर रहे हो जिसमें चिपचिपापन बिल्कुल है ही नहीं। आप 100% नेचुरल चीजें यूज कर रहे हो और ये छोटी छोटी चीजें दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन आपके बालों पर बहुत अच्छा रिजल्ट छोड़ के जाती हैं। तो इनको यूज करना है, अपनाना है। एंड एक छोटी सी चीज करनी है और वो है बलयम मुद्रा। ये बलयम मुद्रा आप कीजिए, बैठे हो दिन में 5 मिनट 7 मिनट मेरे कहने पर ये कर लेना। बस एक रिमाइंडर अपने फोन में लगा लो कि आपने दिन में 5 मिनट ये करना ही करना है। देखना आप 15 दिन में देखना आपके बालों का गिरना किस तरह से रुकेगा। मैं तो कभी भी कहीं वेट कर रही हूँ या फिर जस्ट ऐसे ही बैठी हूँ तो मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि इससे मेरे बाल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बालों का गिरना तो कभी होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ज़रूर बनाया करो 5-7 मिनट जब भी टाइम मिले। आप अपनी रिंग फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप के साथ ऐसे टच किया करो और ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। हमारे बाल, हमारी स्किन पृथ्वी तत्व के बने हैं और जब हम पृथ्वी मुद्रा बनाते हैं तो हमारे बालों को भी हेल्थ मिलती है, स्किन को भी हेल्थ मिलती है। आपकी स्किन और आपके बाल जो है वो हेल्दी हो जाते हैं, बहुत अच्छा शाइन देती है पृथ्वी मुद्रा और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन और हेयर की ये सारी दूर करती है। तो मेक श्योर कि दिन में 5-7 मिनट पृथ्वी मुद्रा जरूर बनाओ। कॉम्ब आप नीम की करनी शुरू कर दो, प्लास्टिक की कॉम्ब्स भूल जाओ। अगर बाल गिर रहे हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं या फिर ग्रोथ नहीं है, नीम की कॉम्ब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मुझे लिंक मिला तो मैं दे दूंगी। नीम की कॉम्ब जब आप करना शुरू करते हो ना तो आपकी स्कैल्प नेचुरली पोषित होती है। नीम की कॉम्ब से कभी आपको स्कैल्प इन्फेक्शन नहीं होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा जिससे कि आपकी हेयर हेल्थ सुधरती ही सुधरती है। और स्ट्रेस को बाय बाय बोल दो। अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस लेते हो तो आज से बस अपने आप से ये वादा कर लो कि कुछ हो जाए स्ट्रेस नहीं लेंगे, चिंता नहीं करेंगे क्योंकि ये चिंता आपकी स्किन आपके बालों को खाई जा रही है। ऐसा माना जाता है चिंता के बारे में कि जब मौत होती है इंसान एक बार जलता है ना, लेकिन जो चिंता करता है वो रोज रोज जलता है। तो क्यों जलना है रोज हमने, और अपनी हेल्थ को भी खराब करना है, अपनी स्किन को खराब करना है, अपने बालों को खराब करना है। और स्ट्रेस लेने से, चिंता लेने से कुछ ठीक तो नहीं होने वाला। ठीक तो तभी होगा जब एक्शन लेंगे। तो बिना चिंता किए, बिना स्ट्रेस लिए एक्शन लेना शुरू करो जो भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। बालों के लिए तो स्ट्रेस बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना, मैं हूं आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों की दशा और दिशा सुधारने के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर आई थिंक अभी तक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना क्योंकि मैं ऐसी ही ब्यूटीफुल रेमेडीज आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो चलिए कल मिलेंगे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।